तुम्हें नाश कर दिया। हम जैसे भी बंदे पे कैसे नाश कर दिया? तुम जैसे तिलकधारी वहां पहुंच जाते हैं, दो चार दिन रुकते हैं, जब माल इकट्ठा होता है तो क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? सीताराम सटके लुटिया डोर पटके। हे भैया, चार बजे बांध पोट रहते जाते। ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है भैया। यार मेरी इच्छा नहीं करती। तुम्हारी इच्छा नहीं करती, नहीं करती। तो एक काम करो, सुबह का टाइम है, हम भगवान नाम की आरती बोलते हैं। आरती क्या होगी? ओम जय जगदीश। तुम भी बोलना, ये सभी लोग बोलेंगे। ये भगवान कौन लोगों को कहते हैं? कौन से पेड़ पे आता है? यार कैसे हत्यारा आदमी के, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कौन से पेड़ पे आता है? कौन से पेड़ पे आता है? भगवान वो चीज है, अगर जो भगवान चाहे तो उसके बगैर मर्जी के एक पेड़ का भी पत्ता हिल नहीं सकता। तू होगा, तुझे माने भाना चाहिए। लोग मुझे जानी चोर कहते हैं। हाँ। जब मैं चोरी करने जाता हूँ तो क्या काम करता हूँ? क्या करते भैया? अच्छा, हल्की रखता हूँ लाल। जब उसके चूतरों की लड़ाई करता हूँ तो वो क्या कहता है? क्या कहता है? भगवान मुझे बचा। अच्छा, अरे भगवान मुझे बचा। उस भगवान की क्या ताकत, दो मिनट मेरे पास होकर निकल कर दिखा दे। यार कैसा हत्यारा आदमी है, तुम्हारा वो हिसाब है कि भैया सुरंग तो इन्हें मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनके कर्म ही बढ़िया है, लेकिन नरक में तुम सबसे फर्स्ट में जाओगे। एक काम करियो, तेरी लिए नशेरी लगवा दूंगा, तू चला जाएगी सुरंग में। कैसा हत्या? मैं नहीं मानता। तू ये बता, किसी धर्म के लिए, किसी मजहब के लिए मानता है या नहीं मानता है? हाँ मेरे दोस्त, मैं एक मजहब मानता हूँ। कौन सा मजहब मानते हो? जो चार मूर्ति तेरे सामने बैठी है। हाँ हाँ। इन्हीं के बीच इंसान पैदा होता है, इन्हीं के बीच नापैद हो जाता है। हाँ, खासता तू मर जाए, तू मर जा। हेलो, हमें और मारने के चक्कर में है, पैसे आंधी बारिश चल रही थी उससे बचे तो तू बच जाएगा। अगर कोई बात हो जाए तो ये लवारी गांव के जितने भी बैठे हुए हैं खेच के कढ़ेर के कंधा पे डाल के तुझे यही ले जाएंगे, ये भगवान उठाने को नहीं आएगा। ये भी मानता हूँ कि इनमें इंसान पैदा होता है, इनमें नापैद हो जाता है। आप मानते हैं? मानता हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं, बैठे हैं। पहले मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जब इन्हें मानते हो मानव पूजा तो आप भी मानिए, आप हाथ जोड़िए। मैं अपने यार को चढ़ा रहा हूँ परंतु ये नहीं मानता है। तो एक हाथ से ना कर, अरे एक हाथ टूट गया, क्या हुआ? एक हाथ से कुछ महत्व नहीं होता है, नहीं होता है। तू नहीं मानता है तो ये सामने बैठे मैं इनसे राम राम करता हूँ। राम राम साहब। ठीक है, वैसे ये मेरा यार है, इसी तक की चिल्लाने के लिए। हेलो, ये क्या कर दिया? एक तरफ का लिखा हुआ बिल्कुल ही मिटा दिया, थोड़ी सी बात इधर लिख रही है। क्या कुछ इसमें लिख रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है कि अलीगढ़ शहर में मैं एक हिंदू की बेटी मुसलमानों की जेल में बंद हूँ, मेरे माता पिता को जहर देकर के मार दिया, मेरा रास्ता छीन करके सत्यारे ने अपना काबू कर लिया। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा हिंदू को जाया पैदा ना हुआ जो कि मुसलमानों से मेरा ईमान बचा दे? मैं उसी हिंदू के साथ में अपनी शादी रचा लूंगी। अरे लानत है, ये लानत है जमाने के हिंदुओं, एक हिंदुओं की बहन बेटी मुसलमानों की जेल में तड़पती है। क्या कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं जो उसका ईमान बचाने वाला हो? अरे तू मरे पराए रूप पे, तू मरे पराए रूप पे, तेरी हुई रूप मत भागो, ये मूरत तेरा रूप लिए चाय न तेरे संग। माज रहा इस रूप को, माज रहा इस रूप को, मूरत दोनों छाप ना जाने इस रूप पे कल पुजेगी घास। कहा की ईट कहाँ का रोड़ा, भागवती ने कुनबा जोड़ा, किसकी महल दे किसके चक्कर में, अरे यार तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है, चल नरवर में बहन मारू पेड़ा देख रही हूँ। मेरे दोस्त, मैं भी इस बात की कसम खाता हूँ कि बहन के यहाँ भात भरने बाद में जाऊंगा, पहले उस लड़की का मैं ईमान बचाऊंगा। क्या तू बचाएगा? मैं बचाऊंगा। तुझे पता होना चाहिए, अरे पठानों का इलाका है, पहला नंबर तो वहाँ कोई पहुंचता नहीं, और पहुंच भी जाता है तो वो पठान कटवा के जमीन तले गड़वा देते हैं मेरे दोस्त। अगर तू घर में जाएगा तो मारा जाएगा, बच नहीं सकता है। मैं मारा जाऊंगा, मारा जाएगा। और मैं धरा पर मरूं तो यही पर पद मिले, मैं जग में लूंगा दोबारा जन्म ही नहीं।
और मारा जाऊं तो कोई ये अंदेशा नहीं, कोई दुनिया में रहता अमर ही नहीं। ख्वार हो या महकते तेरी सेवा अरे करोगी नहीं, ये हो रहा जिसके ऊपर तू बलहार हो। कोई दुनिया में उसका सहारा नहीं। मुसलमानों ने उन्हें लौट के जिंदा नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। कारण ये बात बात कर कोई वापस और न आया बिरंग, और ये जल्दी नर पर चलो हाथ चल के, ये नहीं होगा यार बात करेंगे नहीं भैया। और हिंदुओं की सब इज्जत मिले खाक में। हिंदुओं की सब इज्जत मिले खाक में। मरना है तो तू जाकर के अलीगढ़ में मर सकता है, अपने कोई बस की बात नहीं। तुम्हारे कोई बस की बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम डर गए इसलिए कि मैं अलीगढ़ शहर में जाऊंगा, पूरा शहर मुसलमानों का है, मैं उनके हाथों से मारा जाऊंगा। ठीक है, तुम शौक से अपनी जान बचाओ, लौट के वापिस तुम अपनी चोर गली के लिए चले जाओ। अच्छा, आज से मेरी तुम्हारी यारी खत्म है, चाहे मैं मारा जाऊं चाहे मैं जिंदा रहूं, उस लड़की का धर्म ईमान मैं बचाऊं। तेरा कहने का मतलब है या तो मैं उस लड़की का धर्म बचाऊं और आज से मेरी तेरी यारी खत्म। बिल्कुल खत्म। तो तूने मुझे कैसा यार समझ रखा है? जैसे इस जमाने में आजकल के यार है धोखेबाज, दगाबाज, दारूबाज, उनमें से ही आप हैं। श्रीमान ये बबलू जगतुआ से आए हुए, ये 20 रुपए हम दोनों कलाकारों के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मेरे दोस्त तू रह कहने का मतलब है या तो मैं उस लड़की का ईमान बचाऊं पठानों से और नहीं आज से मेरी तेरी यारी खत्म। जी हाँ बिल्कुल यारी खत्म है। अरे तूने मुझे कैसा यार समझ रखा है? जैसे आजकल के जमाने में यार हैं उनमें से आप हैं धोखेबाज, लगाबाज, दारूबाज। आजकल के यार जानता कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? थोड़े दिन में बहुत दूर तक, थोड़े दिन में बहुत दूर तक हमने घूम जमाना देखा देखा ऊपर से मीठे बोले फिर नस नस में देखा
और आजकल के यार कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, जिसके घर में सुंदर नारी होती है, होती है, हमारी बहन बेटी सुंदर होती है, जी हाँ, साले पत्नी जी लोग उसी घर में यारी जोड़ते हैं, वाकई में घर में यारी जोड़ते हैं, जिसके घर में सुंदर नारी वहां से प्रीत करे दो चारी, और मतलब की देखी यारी फिर चिलम भरने का बहाना देखा। और सुन ले, मैं यार कैसा हूँ, कैसे हो भैया, यारी करते देर लगे ना मुश्किल पड़े निभानी, निभानी, अरे ऐसे यार से यारी कर ले जैसे तू संभलता पानी। मेरे दोस्त, मैं तो तेरा दिल आजमाया था, अच्छा, कि मेरा यार नर सुल्तान मुझसे कहेगा क्या, हाँ क्या, मैं चाहूं साले अदली पठान को आकाश उड़ा दूं, मैं चाहूं तो साले को नौ फीट गहरा जमीन में गड़वा दूं, बहुत अच्छा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, महक दे से तुझे आज से चौथे रोज मिलाऊंगा, बीच सभा में उस अदली पठान की दाढ़ी मुझ काट के लाऊंगा, बहुत अच्छा मेरा दोस्त, तुझसे एक मेरी शर्त होगी। भैया कौन सी शर्त है बताइए, यार वो पठानों का इलाका है, हाँ इलाका है, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी लाश को उठा के साहब नदी पे जला देना, ऐसा कहीं पठान मुझे कब्रिस्तान में दफना ना दे। नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, धर्म की विजय हमेशा होती है, हमारे हिंदुओं की। श्रीमान, ये मुस्लिम सहजना से आए हुए हमारे पशुपालन जी, ये पशुपालन डॉक्टर साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार हम दोनों कलाकारों के लिए दे रहे हैं। मेरे दोस्त, ले मैं जा रहा हूँ सादरीगढ़ के लिए, अच्छा, इधर तो नरवर में तेरी बहन मारू पेड़ा देख रही है, जी हाँ, कि मेरे यहाँ भाते ही आ रहे होंगे, इधर तू मुझे मरने को काल के गाल में भेज रहा है, ले सुन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भैया क्या कहना है। अदलीगढ़ के यारा पीछे आ रहा तेरा भैरा लुट गया सारा ये गहना, और अब देख रहा नल परे गली के बीच मरे सोए तान कमरे तेरी भैरा, वो अदलीगढ़ के बीच यारत ने ऐसी कुमत कमाई, अच्छा, कहलागढ़ में जाके तेने कमरे में हाल तेरे ब्याही, तूने मदराजा का माल घटा दिया बड़का तू अन्यायी, देख रे ऊधा भात की ये बेटी तेरे कमर निहाल जैसे करी सगाई, हे रे 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 रे, पहले कमर निहाल जैसे करी सगाई, साथ कोई है ना, हे रे 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 रे, तू चले सुल्तान उम्र तेरी भेड़ा, धर्म बचाने के लिए अदलीगढ़ को जा रहा हूँ। अच्छा भैया, जब तक ठंडी कर ले, जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ तब तक तू क्या काम करेगा, क्या करूँ भैया, तो जाता अदलीगढ़ को तुम सब नदी पे रही हो, अच्छा, जब तक लौट के मैं ना आऊँ उस ईश्वर के गुण गई हो, फिर आके पूछे मुझे कोई मत मेरा पता बतइयो, जब जो मैं मारा ये चाहू तो चलो यहाँ से चलो, जो मैं मारा चाहू तो सब लौट यहाँ से चलो, चार दिन तक जो मैं आऊँ, रे 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 रे, चार
काल के गाल में भेज रहा है। जी हाँ, ना जाने में जिंदा लौटा जब मरा लौटा। नहीं भैया ऐसा नहीं, एक बार मुझसे सीना से सीना मिला ले। आइए भैया। और भाई शीश झुका सुल्तान, आज जानी चोर मुरलीधर बंजारा बन्नी पठान नर सुल्तान तीनों यारों को नदी पर रोक देता है और मेहंदी का धर्म बचाने के लिए अपनी गलत चल देता है। और शीश झुका रस्सी सुझुका सोले ताल कमरे को चल आदमी गले में आया भैया गली मोहल्ले ठूक लिया महकते का पता ना पाया जब या तो उठ गई दुनिया से या किसी जालिम ने खाया जब हे भगवान तेरी माया का प्रपाल किसी ने पाया रे भैया मैं तो धर्म बचा दू मैं धर्म बचा दू बबलू भाई महेश जी के भांजे, ये 10 रुपए का पुरस्कार देने हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और आ गए हमारे नौसे वर्मा के चाचा जी भाई बंटी कुमार बाबू, ये भी 50 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं भी इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे मेहरबानों। हाँ प्यारे मेहरबानों, जानी चोर महकते के लिए पूरे अलीगढ़ में ढूंढ लेता है लेकिन महकते देखने को नहीं मिलती है। सोचने लगता है यार शहर के अंदर कुंगा तो मारा जाऊंगा, इससे मुझे कहीं रहने का इंतजाम बनाना चाहिए। आज किस प्रकार से और ढूंढ के लड़की को अदलीगढ़ में चल बाग बीच में रह आया रोस रोस में ये घूम रहा था जिसकी सुंदर काया फिर निगाह उठा के ये देखने लगा एक माली नजर में आया मवासी राम ने कथा छंदे ईश्वर से ध्यान लगाया रे मवासी राम फिर दिनेश कुमार तुझे साथ जाने कहे रे 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 दिनेश कुमार आज बागों में पहुंच जाता है, माली बाग के लिए रखाता है और अचानक मौसी मौसा का रिश्ता किस प्रकार से निकल